नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करके एक नया फ़ोन अमेजोन से मंगा सकते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप करके पूरी जानकारी दे दूँगा, आप आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अमेजोन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अपना यदि आपका अकाउंट नहीं है तो उस पर आप एक अकाउंट बना लें, और उसके बाद जो है आप अपना जो फ़ोन आप लेना चाहते हैं, जो भी नया फ़ोन आप लेना चाहते हैं उसको सर्च कर लें या उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं Redmi Note 10s लेना चाहता हूं, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर मैं कलर देख लेता हूं कौन सा मुझे कलर का लेना है और कौन सा वेरियंट का मुझे लेता हूँ। इसमें 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला है और डीप सी ब्लू कलर है, और इसकी जो है MRP जो है इनके 15,999 रुपये हैं, मतलब 16,000 रुपये हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, अब एक बार आप जब कलर और वेरिएंट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको आना होगा यहाँ पर एक्सचेंज योर ओल्ड फ़ोन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ फ़ोन टू एक्सचेंज, आपको उस फ़ोन को यहाँ पर अपने फ़ोन मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आप एक्सचेंज करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें आता है सेलेक्ट ब्रांड, आपका जो भी पुराना फ़ोन जिस ब्रांड का हो उसे आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मेरा इन्फिनिक्स का एक मोबाइल है, वो नोट 5 है, मॉडल है नोट 5, उसको हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ये देखिए इन्फिनिक्स का मॉडल है, इन्फिनिक्स का मॉडल नोट 5 पर 2850 रुपये मुझे एक्सचेंज वैल्यू इनका ऑफर है। अब मुझे यहाँ पर IMEI नंबर डालना होगा। IMEI नंबर डालने के लिए या तो आपके जो मोबाइल फ़ोन का बॉक्स होगा उसमें लिखा होगा, या फिर आपके आपके पास जो बिल होगा उसमें लिखा होगा, और नहीं है तो आपको जो है एक नंबर डायल करना होता है 0#06#। आप जैसे ये नंबर डायल करते हैं तो आपके फ़ोन का IMEI नंबर आपको शो होने लगेगा। उसमें दो नंबर शो होते हैं, IMEI 1 और IMEI 2, आपको कोई एक नंबर यहाँ पर फिल कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फिल कर लेता हूँ। अब हम इसको एंटर पर क्लिक कर देंगे। देखिए उन्होंने मेरा IMEI नंबर ने एक्सेप्ट कर लिया है, और जो है IMEI नंबर मैच होगा जब जब हमको यह फ़ोन डिलीवर करने आएंगे और हमारा फ़ोन पुराना फ़ोन जो है पिकअप कर लेंगे। इसके बाद हमको अप्लाई एक्सचेंज पर क्लिक कर देना होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा फ़ोन आप जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। वो फ़ोन आप एक्सचेंज कर सकते हैं जिसमें डिस्प्ले बढ़िया सही हो और ना स्क्रैच हो ना डेंट हो और पूरी बॉडी जो है अच्छी कंडीशन में हो, तब आपका मोबाइल जो है एक्सेप्ट होगा। जब डिलीवरी मैन आपको नए हेडसेट डिलीवर करने आएगा उसी टाइम पर यह पुराने हेडसेट आपसे वापस ले जाएगा। वो एक दो मिनट चला के भी देखते हैं कि डिस्प्ले सही हो और फ़ोन जो है चालू कंडीशन में हो और कोई डेंट वगैरह स्क्रैच ना हो। देखिए दोस्तों, मेरा इन्फिनिक्स नोट 5 2850 रुपये में कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि एक्सचेंज अप्लाइड किया है आपने और 2850 रुपये जो है आपके पुराने फ़ोन इन्फिनिक्स नोट 5 के यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा टोटल फाइनल बिल कितने का बन रहा है। ठीक है, मेरा फ़ोन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है 15,999 रुपये प्राइस वाला। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यह कितने का जो है फाइनल आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा आ रहा है टोटल 13,249 रुपये मुझे पे करना है, और यहाँ पर मैंने जो है 2850 रुपये का एक्सचेंज अपडेट करने से वह मेरे पैसे सेव हो गए हैं। यानी मुझे 15,999 का फ़ोन 13,249 में मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट मेथड का सिलेक्ट कर लेना होगा, आप पे ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, किसी तरह से आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा पे ऑन डिलीवरी शो नहीं हो रहा है, तो आप जो है पे ऑन डिलीवरी को ही सिलेक्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहता है। और यदि आपका फ़ोन कोई दिक्कत है, यदि जो वेरीफिकेशन के टाइम पर किसी तरह से आपके मोबाइल में दिक्कत आती है, तो आपको बकाया वो पैसे जो है चुका कर और अपना हेडसेट भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं कोई भी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यूज़ नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर एक बार और बताएगा कि आपके जो है टोटल कितना आपको पे करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो है 2850 रुपये माइनस करने के बाद 13,249 रुपये मुझे पे करना होगा। और यहाँ पर 100 रुपये दोस्तों आपको जो है एक्सचेंज फीस भी ली जाएगी आपसे, ठीक है। और यानी आप मेरा जो है 2850 रुपये का एक्सचेंज ऑफर वो मिला है और 100 रुपये की एक्सचेंज फीस लग जाएगी, तो मतलब 2750 रुपये मुझे जो है मेरा पुराने सेट पर ये दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है प्लेस योर ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें वगैरह, डेट वगैरह एड्रेस देख लें और प्लेस योर ऑर्डर पर क्लिक कर दें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। आप कोई भी पेमेंट मेथड का चूज़ कर सकते हैं, मैंने नेट बैंकिंग का किया है। आप यदि आपके यहाँ कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल हो तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दोस्तों यहाँ पर डिटेल मुझे फिल करनी होगी, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मुझे पेमेंट करना होगा। जैसे ही मैं पेमेंट कर देता हूँ तो मेरा जो है ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा, और मेरा ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद मेरे पास एक मैसेज भी आ जाएगा। अब होगा क्या, जब ये फ़ोन डिलीवर करने आएंगे तो मेरा मेरे से पुराना फ़ोन ये चला के देखेंगे, एक आदमी चेक करते हैं वो, जिसमें डिस्प्ले चालू कंडीशन में हो और मोबाइल में स्क्रेच या फिर डेंट वगैरह ना हो। और दोस्तों एक और बात आपको बता देता हूँ, इसमें आपको ना मोबाइल का बिल की ज़रूरत है, ना मोबाइल के चार्जर एसेसरीज या बॉक्स देने की। आपको केवल मोबाइल यहाँ पर उनको देना होगा और आप जो है नया फ़ोन आप प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और यदि कोई दिक्कत है, यदि कोई समस्या है तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसे दूर करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।